Hey, hello everyone, मेरा नाम है अल्पित और आप देख रहे हैं स्टूडेंट इंडिया, जो हम आपके लिए लेके आते हैं इंडिया बेस्ट स्टेशनरी रिव्यूज। एंड गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट अ वेरी फेमस फाउंटेन पेन जो कि है प्लैटिनम प्रेपी। तो गाइस, ये जो फाउंटेन पेन है ये इंटरनेशनली बहुत फेमस है फॉर बीइंग अ हाई क्वालिटी बजट फाउंटेन पेन। अब गाइस, ये जो वर्ड्स है ना, हाई क्वालिटी बजट फाउंटेन पेन के साथ में बहुत कम देखने को मिलते हैं। एंड गाइस, प्लैटिनम का प्रेपी उनमें से एक पेन है जो बेसिकली कम प्राइस में होते हुए भी हाई क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो गाइस, आज हम हमारे रिव्यू में जानने वाले हैं, हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग, हम देखेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, देन हम देखेंगे इसमें इंक फिलिंग मैकेनिज्म्स क्या क्या होते हैं, फिर हम इसे टेस्ट करेंगे इसका स्मूथनेस टेस्ट। एंड गाइस, इसके लास्ट में हम बताएंगे आपको कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है इस प्राइस में, एंड फाइनल वर्डिक्ट में आप जान पाएंगे कि क्या ये पेन जो प्रॉमिस करता है ऑफ बींग अ हाई क्वालिटी बजट फाउंटेन पेन, वो ये सच में है या नहीं। तो गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो गाइस, यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं दोनों ही फाउंटेन पेन। एंड अगर आप फाउंटेन पेन की दुनिया में नए हैं ना, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको, आप हमारा ये फाउंटेन पेन गाइड वाला वीडियो जरूर देखें। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक फाउंटेन पेन इज डिफरेंट फ्रॉम अ बॉल और अ रोलर बॉल, है ना, और क्या क्या उसके इंक फिलिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, कैसे वो चलता है, कैसे उसकी केयर करनी चाहिए, वो सारी डिटेल्स उसमें आपको मिल जाएंगी। तो गाइस, अनबॉक्सिंग से चालू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये पेन आ चुके हैं। यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से पैकेट इसका दिखता है। पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इसकी सारी डिटेल मेंशन है। यहाँ पे लिखा हुआ स्लिप एंड सील मैकेनिज्म ये क्या है, मैं आपको बताने वाला हूं। और यहां पे बेसिकली हमको ये तीन निब साइजेस में मिल जाता है। यहां पे दो मेंशन है, ये नई पैकिंग अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं बेसिकली तीन निब साइज ये होते हैं इसके, एक्स्ट्रा फाइन, फाइन एंड मीडियम निब्स। तो आज हमारे पास गाइस दो पेन्स अवेलेबल हैं, फाइन एंड मीडियम निब्स, 03 एंड 05। तो इस टाइप के ये पेन्स देखते हैं। बात करें अगर इनकी प्राइसिंग की गाइस, तो ये दोनों ही पेन्स आपको 350 रुपीज़ में मिल जाते हैं, फाइन एंड मीडियम। अगर आपको उसका एक्स्ट्रा फाइन लेना है तो आपको 200 रुपीज़ ज़्यादा, यानी कि 550 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ेंगे, और वो थोड़ा सा ढूंढने में हार्ड होता है। बाकी आपके पास फाइन एंड मीडियम काफ़ी अवेलेबल है फॉर द प्राइस ऑफ 350 रुपीज़। तो गाइस, यहाँ पे मेरे पास पेन आ गया, इसको अनबॉक्स हम कर लेते हैं। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से आएगा, ऐसे ओपन हो जाएगा। ओके, ओपन हो गया है, इसको मैं यहाँ से पुल आउट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है मेड इन जापान, ग्रेट, इसको रखते हैं साइड में। ये आ गया हमारा पेन, इसको भी हटाते हैं। एंड गाइस, ये पेन कुछ इस टाइप से दिखता है। तो ये पेन अनबॉक्स हो गया है। अब इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मेंशनड है M05, विच इंडिकेट्स कि ये मीडियम निब है, 05 साइज है। यहाँ प्लैटिनम प्रेपी फाउंटेन पेन मेड इन जापान, और ये ब्लू कलर में यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। इसके टोटल आपको 7 कलर देखने को मिल जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये 7 कलर्स के आते हैं, और इसकी कॉटेजेस भी अवेलेबल हो जाती हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमारे पास ये 7 कलर्स में आता है। मेरे पास अभी यहाँ पे ब्लू अवेलेबल है, तो दिस इज़ द 05। अब यहाँ पे मैं हमारा ये जो फाइन वाला वर्जन है इसको भी ओपन कर लेता हूँ। तो उसको भी मैंने यहाँ से ये ग्लू से यहाँ से स्टिक होता है उसको ओपन किया, ग्रेट, ये ओपन हो गया है। एंड इसको भी यहाँ से मैं पुल कर लेता हूँ। तो गाइज, ये मेरे पास आ गया है दूसरा वाला वर्जन, विच इज़ द फाइन। तो गाइज, यहाँ आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखता है फाइन। इनको अगर मैं साइड बाई साइड आपको दिखाऊँ तो काफ़ी सिमिलर क्या, सेम ही है। बस यहाँ पे आप देखेंगे 05 एंड 03 मैंशन है, इनकी निब्स डिफरेंट है। तो निब्स हम देख लेते हैं, तो इनको ओपन करता हूँ मैं। तो ये मैंने इसको ओपन किया, अगर आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप से पेन दिखता है। यहाँ इसकी फीड है, पकड़ने में काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे लग रही है। ये इसका निब है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस टाइप से निब पे मेंशन है 05 एंड P बना हुआ है फॉर प्लैटिनम। और यहाँ पे अगर मैं इसका फाइन वर्जन आपको दिखाऊँ तो यहाँ फाइन वर्जन देख सकते हैं, ये कुछ इस टाइप दिखता है। दोनों को अगर आप साइड बाय साइड देखना चाहते हैं तो ये दोनों लुक आपको साइड बाय साइड दिख रहा है दोनों निब्स का। तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं बेसिकली, लिखने में हमको मेजर डिफरेंस पता चलेगा। अब अगर गाइस इसको मैं ओपन करूं तो बेसिकली यहाँ पे इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, अंदर से ऐसा है, इसके अंदर आपको एक कॉर्ट्रिज फ्री आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइप की एक ब्लू कॉर्ट्रिज इसके साथ आई है। आप जिस कलर का पेन लेते हैं वही कलर की कॉर्ट्रिज आपको यहाँ पे मिलती है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए गाइस कुछ नहीं, आपको इस कॉर्ट्रिज को लेना है एंड इसको आपको यहाँ पे रख के इसको प्रेस कर देना है, तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है। अब अगर हम बात करें इसके इंक फिलिंग मैकेनिज्म की, गैस इसमें भर सकते हैं, तो दो तीन तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे सिंपल तरीका होता है इसमें कॉटेजेस कनेक्ट कर लेना एंड इस पेन को यूज करना। दूसरा तरीका होता है गाइस इस टाइप का कन्वर्टर यूज कर लेना। तो प्लैटिनम का ये कन्वर्टर आता है, और इसका जो प्राइस होता है वो बेसिकली थोड़ा सा ज्यादा है, 950-900 रुपीज़ तक आपको मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली चला जाता है। अगर ये भी इसके साथ इंक्लूडेड होता है या फिर ये थोड़ा सा चीप होता है फॉर अराउंड 200-250 रुपीज़, तो गाइज ये बहुत अच्छी डील हो सकती थी, बट ये आपको अलग से लेना पड़ता है। अब गाइज, जो तीसरा तरीका होता है वो एक टाइप से आप बोल सकते हैं कि एक ट्रिक है। कैसा ट्रिक है मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना होता है, काफ़ी सारे वीडियोस इसके अवेलेबल हैं। ये वाला जो पेन है इसको आप ऐसा आई ड्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। आई ड्रॉपर क्या होता है कि आप इसकी जो बैरल है इसी के अंदर डायरेक्ट इंक ड्रॉप कर सकते हैं, है ना, किसी भी इंजेक्टर से इसके अंदर इंक भर सकते हैं एंड इसको आप कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो उसको यूज़ करने के लिए बेसिकली एक छोटी सी रिंग आती है, उसको आप यहाँ फिट कर सकते हैं एंड यहाँ पे वैसलीन वगैरह लगा के इसको आप टाइटली सील कर सकते हैं। बट मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने अभी ये ट्राई नहीं किया है, बट इसके बारे में वीडियोस अवेलेबल थे तो मैंने आपको बता दिया है।
तो गाइस अब आते हैं मेन चीज पे, इसका स्मूथनेस टेस्ट करके देख लेते हैं। तो हमारे पास तो यहाँ कॉटरेज अवेलेबल है, तो इसको बेसिकली मैं लेता हूँ एंड यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। तो आपको सिंपल इसको यहाँ पे रखना है, प्रेस कर देना है डायरेक्शन में रख के। ओके, तो थोड़ा सा हार्ड प्रेस करना पड़ेगा एंड जैसे ही मैंने किया, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ इंक आ गई है। ठीक है, इसको कनेक्ट हो चुका है अभी एंड इसको मैं बंद कर देता हूँ। दिस इज़ द मीडियम नेम। अब ये मीडियम में मैं फाइन में भी कलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास फाइन आ गया है मेरा। एंड फाइन में भी मेरे पास कॉटरेज है, इसको मैं निकालता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको रखा। एंड सेम तरीके से आपको इसको रखना है एंड प्रेस कर देना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिल, ये कनेक्ट हो गई है। ठीक है, तो ये गाइस दोनों कनेक्ट हो गए हैं कॉटरेजेस। अब इन दोनों को हम थोड़ा सा इन्वर्ट करके 2 मिनट के लिए रख देते हैं। उससे क्या होगा कि इंक बेसिकली हमारे फीट से होते हुए हमारे निप तक पहुंच जाएगी। जब तक मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताता हूं यहां पे, वो है स्लिप एंड सील मैकेनिज्म। अब स्लिप एंड सील मैकेनिज्म क्या होता है, ये जो फाउंटेन पेन्स होते हैं गाइस, इनके साथ एक दिक्कत होती है कि अगर हम लंबे टाइम तक इनको यूज़ ना करें तो इनका बेसिकली जो फीड है या फिर जो निब है वो सूख जाता है वहाँ पे, इंक एंड ये चोक हो जाता है, फिर चलते नहीं है। बट यहाँ पे प्लैटिनम के साथ आपको अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो मैं आपको खोल करके बताता हूँ उसका कैप। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के आगे आपको एक कैप दिखेगा। तो बेसिकली क्या होता है, जब ये वाला हिस्सा इससे हम कनेक्ट करते हैं तो ये एक बहुत ही एयर टाइट सील बना लेता है ना, और एयर टाइट सील बनाने की वजह से यहाँ पे एयर नहीं जाती है एंड हमारा जो पेन है वो क्लॉग नहीं होता है, वो सूखता नहीं है। तो बेसिकली 1 साल तक भी आप इसको रखते हैं एंड ये टेस्टेड है, 1 साल तक भी आप इसको रखते हैं तो ये पेन आपका ड्राई नहीं होगा। 1 साल बाद भी अगर आप इसको लेके चलाएंगे तब भी ये पेन ईजिली चल जाता है। तो एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म यहाँ पे आपको दिया गया है, सिंपल सा मैकेनिज्म है बट काम का है। तो गाइस अब हम इन दोनों पेन से लिख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नोटबुक ले ली है 70 GSM की लगभग एंड यहाँ पे मेरे पास पेन्स हैं। तो सबसे पहले मैं इसका फाइन वर्जन लेता हूँ, तो ये इसका फाइन वर्जन आ गया है एंड इससे हम कुछ लिख के देखते हैं गाइस यहाँ पे कि ये कैसा चलता है बेसिकली। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हेलो एवरीवन। ओके, तो गाइस जैसे ही मैंने इससे लिखा तो ये काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छे से चल रहा है ये पेन। ओके, तो इसका जो इंक का टेक्सचर है, जो कॉटरेज है, वो हल्का सा लाइट है, बाकी पेन चलने में काफ़ी स्मूथ है। मैं इसे थोड़ा सा और लिखता हूँ, सब्सक्राइब टू स्टूडेंट इंडिया। ओके, ठीक है, इसका गाइस स्मज टेस्ट हम करके देखते हैं एक बार। वैसे इस फाउंटेन पेन है पर फिर भी हम करके देख लेते हैं कैसा ये स्मज होता है। तो गाइस सिग्निफिकेंटली कम स्मज में, मतलब बहुत ही कम स्मज हुआ है। मैं देख के रिजल्ट शॉक हूँ कि इसके जो इंक आती है इसके साथ कॉटरेज में बहुत ही ज़्यादा क्विक ड्राइंग इंक है, ये बहुत अच्छी बात है। तो गाइस लिखने में मैं बताऊँ आपको, तो काफ़ी मुझे स्मूथ लगा पेन, फीडबैक भी इसका अच्छा है ना, फॉर द प्राइस ऑफ 350 रुपीज़ ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब मैं इसका मीडियम निब ले लेता हूँ, मीडियम निब से लिखता हूँ। तो ये मेरे पास इसका मीडियम निब आ गया है गाइस एंड इससे अब हम लिख के देख लेते हैं कि कैसा ये परफॉर्म करता है। तो सेम चीज़ लिखता हूँ उससे मैं। ओके, तो जैसा आप देख सकते हैं गाइस, मीडियम निब थोड़ा ज़्यादा मोटा है बेसिकली, है ना, वो मीडियम है। ठीक है, तो मोटा तो हो गई, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है यहाँ पे, सब्सक्राइब बेसिकली। जो आप अगर इसको बॉल पेन से कंपेयर करें तो जो 1 mm का निब साइज होता है उतना थिक मुझे ये लगा। ओके, इसका मैं स्मज टेस्ट करके देखता हूँ। तो ये मैंने इससे लिखा एंड ये स्मज किया, तो ये गाइस हाँ डेफिनेटली मीडियम निब है, तो ये थोड़ा सा स्मज तो होता ही है ना। बाकी आप लिखने में अगर दोनों को साइड बाय साइड अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ ऐसा लिखते हैं। ऊपर आप देख रहे हैं वो फाइन वर्जन है, नीचे वाला मीडियम वर्जन है। इसका एक्स्ट्रा फाइन भी आता है तो वो तो इससे भी पतला हो जाएगा, बट यहाँ पे मुझे फाइन परफेक्ट लगा डे टू डे यूज़ के लिए। अगर आपको नोटबुक वगैरह में नोट्स लेने हैं तो मुझे फाइन वर्जन काफ़ी अच्छा लगा। मीडियम थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है, तो अगर आपको 1 mm के पेन पसंद है तो आप मीडियम के साथ जाइए, वरना मैं तो रिकमेंड करूँगा फाइन वर्जन इज़ ग्रेट फॉर एवरीडे यूज़। तो अगर हम बात करें प्रेपी के कॉम्पिटिटर्स की, तो गाइस यहाँ पे बहुत लंबी लिस्ट हमारे पास है जो इस प्राइस रेंज में आते हैं, बेसिकली थोड़े ऊपर नीचे प्राइसेस हैं। एंड मुझे जो मेन कॉम्पिटिटर्स लगते हैं इसके, वो है बेसिकली अमेज़न का बेसिक फाउंटेन पेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अमेज़न का बेसिक फाउंटेन पेन है, ये भी आपको फॉर 400 रुपीज़ मिल जाता है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये क्लोज कंपटीटर है एंड ये पूरा मेटल का बना हुआ है, टोटल मेटालिक बिल्ड है। इसका भी रिव्यू हम लेके आएंगे, इसका भी फाइन मीडियम वर्जन आता है। एंड गाइस फिर यहाँ पे एक और जो पेन आता है वो आता है पाकर की तरफ से आने वाला वेक्टर। तो यहाँ पे वेक्टर भी काफ़ी अच्छा पेन है, ये भी बेसिकली आपको 400-450 रुपीज़ में मिल जाता है। और दूसरा जो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्लोज लगता है वो है जिन्हाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस मेरे पास जिन्हाओ के काफ़ी सारे पेन्स अवेलेबल हैं, तो इनका
इनका प्राइस लगभग 250 and 300 होता है एंड ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि इन पेन्स के साथ आपको कन्वर्टर भी अंदर ही देखने को मिल जाता है, तो कोई भी कॉर्टेज का इशू नहीं है यहाँ पे। तो आप कन्वर्टर्स के साथ ये पेन आते हैं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आप अमेजोन का बेसिक फाउंटेन पेन छोड़ दीजिए, वो आपको कन्वर्टर नहीं मिलता है उसमें, बट उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। बट यहाँ पर आपको वैक्टर के साथ भी कन्वर्टर आता है या जिनाओं के साथ भी कन्वर्टर आता है। और भी अगर आप यहाँ पर पेन देखेंगे, मेटलिक पेन फॉर एग्जाम्पल, ये वाला जो पेन है ये भी फॉर एग्जाम्पल मैंने अराउंड 350-400 का परचेज किया था, तो पूरा मेटालिक बिल्ड है एंड ये कन्वर्टर के साथ आता है गाइस। इन सब का भी रिव्यू मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, इन सब लिख के देख लेते हैं कि लिखने में भी क्या ये प्रेपी जितने स्मूथ हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आ गया है हमारा पाक की तरफ से आने वाला वेक्टर, तो इससे मैं लिख के देखता हूँ गाइस कि क्या डिफरेंस आता है। ओके, तो पार्कर का ये जो पेन है काफ़ी ज़्यादा फाइन है, मतलब अगर मैं बात करूँ इसके फाइन से तो इससे भी ये एक्स्ट्रा फाइन बोल सकते हैं आप उसको, एंड काफ़ी अच्छा ये चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे मैंने लिख के दिखाया, एंड ये डेफिनेटली इसमें इंक अलग है तो आपको शेड अलग लग रहा होगा, एंड काफ़ी अच्छा चल रहा है ये। और पेन हम टेस्ट करके देख लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास है जिन्हाओं की तरफ से आने वाला एक पेन, तो इससे मैं लिख के देखता हूँ गाइस कि ये कैसा चलता है। तो इससे भी हम लिख के देख लेते हैं अगेन, ये तो है, तो ये भी काफ़ी स्मूथ चल रहा है गाइस, ये भी काफ़ी फॉर द प्राइस है काफ़ी स्मूथ चल रहा है ये पेन। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये भी बेसिकली ये इसके फाइन जितना ही फाइन मुझे लगा, प्रेपी जैसा ही लगा मुझे ये। ओके ग्रेट, तो ये गाइस काफ़ी अच्छा ये पेन चला। आप यहाँ पे अगर मैं आपको क्लोज लुक दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये प्रेपी है एंड यहाँ पे ये हमारा वेक्टर है एंड ये हमारे पास हमारा जिन्हाओं का पेन है। यहाँ पे मेरे पास एक और पेन है अमेजोन का बेसिक फाउंटेन पेन, इससे मैं लिख के देखता हूँ गाइस ये कैसा परफॉर्म करता है। ओके, हेलो एवरीवन, इसके अंदर भी ब्लैकिंग हमने डाल रखी है। तो गाइस ये थे हमारे प्रेपी के सारे कॉम्पिटिटर्स मैंने आपको यहाँ पे जो बताए। तो ओवरऑल सवाल उठता है कि बेसिकली क्या 350 रुपीज़ में आपको प्लेटिनम के साथ जाना चाहिए। तो गाइस मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे जो एक दो पेन मैंने आपको बताए, जैसे कि एक जो पायलट का वेक्टर हमारे पास आता है या फिर अमेजोन बेसिक्स का जो फाउंटेन पेन आपके पास यहाँ पे आता है एंड यहाँ पे जो जिनाओं की तरफ से आने वाले पेन हैं गाइस, फॉर द प्राइस ऑफ 350 या 400 रुपीज़ ये बहुत ज़्यादा वैल्यू ऑफर करते हैं। इसका रीज़न क्या है, एक तो अगर आपको जैसे मेटालिक बिल्ड के पेन पसंद है तो यहाँ पे आपको मेटालिक बिल्ड देखने को मिल जाता है काफ़ी सारे पेन्स में। एंड गाइस दूसरा यहाँ पे पॉइंट है, जैसे यहाँ पे पार्कर का जो वेक्टर है ये अराउंड 520 रुपीज़ का MRP, बट काफ़ी बार आपको ये अराउंड 350-400 में देखने को मिल जाता है। एंड सबसे अच्छी बात क्या है, मेन बात है गाइस कन्वर्टर, यहाँ पे आपको कन्वर्टर साथ में देखने को मिलता है। एंड प्लैटिनम में अगर आप कन्वर्टर लेना चाहते हैं तो आपको 900 रुपीज़ ऊपर लगाने पड़ेंगे। बाकी अगर मैं बात करूँ पेन की क्वालिटी गाइस, तो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड पेन है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको बहुत पसंद करते हैं, इसकी बहुत वैल्यू है इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो गाइस पेन बहुत अच्छा है एंड मुझे भी लिखने में काफी अच्छा लगा, बट गाइस यहाँ पे फॉर द प्राइस ऑफ 350 रुपीज इंडिया में कंपटीशन बहुत टफ है। तो गाइस ओवरऑल अगर आपको एक कन्वर्टर के साथ पेन चाहिए तो आप इनके साथ जा सकते हैं, एंड अगर आपको एक ऐसा पेन चाहिए जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी हो एंड कन्वर्टर आप अलग से ले लेंगे, देन गाइस यहाँ पे प्रेपी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड अगर आप एक पेन कलेक्टर हैं गाइस, तो डेफिनेटली आपको ये पेन लेना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा ये पेन लगा है एंड आपके कलेक्शन में एक ऐसा पेन होना ही चाहिए। तो गाइस मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चैनल का कॉन्टेंट पसंद आया, अगर हमारे रिव्यूज आपको बहुत हेल्पफुल लगते हो, तो डेफिनेटली चैनल को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो भी अपने स्टेशनरी बाइंग डिसीजन को इम्प्रूव कर सके। मैं आपको मिलने वाला हूँ अगले वीडियोस में ऐसे काफी सारे फाउंटेन पेन के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय।